Namaskar everyone, I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to our live and interactive session. Ji haan, right now you are watching us on eVidya channel number 10, which means this session is specially meant for the students of class 10. Class 10 ke students ke liye hum mathematics subject ke under aaj ek topic lekar aaye hain, which is trigonometry. Aur aaj hum padhenge trigonometry ka part 1. हम सब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये इन जनरल हमारे लिए एक नया टॉपिक नहीं है बिकॉज़ वी यूज ट्रिग्नोमेट्री इन आवर डेली लाइव्स. अगर हमें किसी बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी हो या फिर दो जगहों के बीच डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं. क्या है ट्रिग्नोमेट्री, क्या है इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके बारे में आज हम जानेंगे हमारी एक्सपर्ट से. आज हमारे साथ हैं मिस सविता ग्राग, शी इज एकेडमिक कोऑर्डिनेटर फ्रॉम गीता निकेतन आवासीय विद्यालय. मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेशन में. जी हरप्रीत जी नमस्कार. नमस्ते जी. तो व्यूअर्स, अगर आप भी हमारे इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. प्लीज नोट कर लीजिए हमारा फोन नंबर. हमारा फोन नंबर है 8800440559. साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज, अपने डाउट, सजेशंस, फीडबैक, जो कुछ भी है इस सेशन से रिलेटेड आपके मन में, आप हमें इस ईमेल आईडी पर ज़रूर सेंड करें. हमारी ईमेल आईडी है dth.class10@ciet.nic.in. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की. टॉपिक में एक बार फिर आपको बता दूं, हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1. और अब मैं सविता मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम प्लीज़ आप हमें, हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को प्लीज़ कॉन्सेप्ट समझाएं ट्रिग्नोमेट्री के जो आज हम पढ़ने वाले हैं. जी हरप्रीत जी बिल्कुल. जैसा कि अभी आपने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया कि ट्रिगोनोमेट्री नाम सुनकर हमारे बच्चे डर जरूर जाते हैं क्योंकि उससे पहले उन्होंने पढ़ा नहीं है. और सीनियर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए जो उन्हें लगता है वही हमारे बच्चों को इन जनरल बताते हैं. राइट. लेकिन जैसे कि आपने भी बताया कि इट इज रियली वेरी वेरी इजी टॉपिक. हमें किसी भी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, कोई बच्चा कहीं खड़े होकर कोई काइट पतंग उड़ा रहा है और अगर उसे पता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर दैट, तो उसे अगर निकालना है कि आखिर मेरी कितनी डोर, मेरी पतंग को उड़ाने में कितनी डोर का यूज हो गया, तो उस लेंथ को निकालने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री जो है दैट इज रियली वेरी हेल्पफुल. लवली. सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट जी व्हाट इट इज. ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, जो न्यू थिंग है दैट इज अबाउट द टी रेशियोज. ओके. टी रेशियोज मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. जी. सो एंड वी विल आल्सो स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन दोज टी रेशियोज. मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं दैट देयर आर टोटल 6 टी रेशियोज और ये 6 टी रेशियोज जो हैं इनमें आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है. जी. नाउ I'm using the word T for trigonometry and what is trigonometry is, let us discuss that. But before that, हम आज पढ़ने क्या क्या वाले हैं एक बार आगे बढ़ते हैं. Sure. Trigonometric ratios of the standard angles. Dear viewers, कुछ angles आपके पास 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. हाँ जी. ये 5 angles ऐसे हैं जिन्हें हम standard angles बोलते हैं और इन पांचों एंगल्स के लिए हमारे व्यूअर्स को हम एक ऐसा ट्रिक देंगे कि वो बहुत इजीली सभी टी रेशियोज की वैल्यूज फॉर दीज 5 एंगल्स हमें इजीली बता पाएंगे. जी. देन दे विल स्टडी अबाउट द टी आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड सम प्रॉब्लम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन दोस टी आइडेंटिटीज. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दैट व्हाट डू वी मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्रायंगल. द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज. ये हमारे व्यूअर्स पहले से भी जानते हैं कि कोई भी वो साइड जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के एंगल के एकदम सामने जो साइड है दैट इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज.
of that particular right angle triangle. Right. And if I say that angle C is an acute angle, means this angle is an acute angle, dear viewers, आप जानते हैं कि अगर कोई भी triangle, right angle triangle है, in that case, one angle will surely be of 90 degree, and both of the remaining angles will be acute angles, or you can say that less than 90 degree, and their sum will be 90 degree, क्योंकि आपको पता है कि triangle के all three angles जो हैं, उनका sum 180 degree होता है. अगर ट्राइंगल राइट एंगल है तो एक अकेला एंगल 90 डिग्री यानी बाकी दोनों जो एंगल्स हैं उन दोनों का सम भी क्या होगा 90 एंड बोथ ऑफ दोज एंगल्स विल बी एक्यूट एंगल्स. नाउ लेट अस मूव फर्दर दैट इफ सी इज एन एक्यूट एंगल देन द साइड ए बी इज कॉल्ड द साइड अपोजिट टू एंगल सी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री कि जो भी हमारे पास हम एक्यूट एंगल लेकर चल रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट जो साइड है यानी उस एंगल के सामने वाली साइड उस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर इन दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल. जैसे अगर हम बात करते हैं मैं एक टी रेशियो अभी यहां मेंशन कर रही हूं आप सभी को. लेट मी से साइन सी साइन इज अ टी रेशियो और अगर हमें इस टी रेशियो की वैल्यू एंगल सी के लिए निकालनी है सो फॉर दैट द परपेंडिकुलर विल बी ट्रीटेड एज ए बी and the base will be treated as BC and undoubtedly कि 90 degree के सामने जो side है that is known as the hypotenuse. Right. So अगर हम बात करते हैं sin A की यानी कि हम color भी change कर देते हैं हम angle change कर चुके हैं हम angle C की बात ना करके अगर angle A की बात करते हैं तो जो भी acute angle हम लेंगे उसी एंगल के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर ट्रीट की जाएगी. तो हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने है जी. लेकिन परपेंडिकुलर जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्यूट एंगल जो भी हमें गिवन है. ओके. एंड एज पर दैट जो बेस और परपेंडिकुलर है वो दोनों आपस में फ्लक्चुएट होंगे. सो ट्रिगोनोमेट्री इसका मीनिंग क्या है एक बार हम देख लेते हैं. त्रिकोण का मीनिंग होता है ट्रायंगल और इसको भी अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सो दिस इज ट्री प्लस गोन. ट्री मीन्स थ्री एंड गोन मीन्स साइड्स दैट मीन्स अ फिगर विच इज हैविंग थ्री साइड्स एंड दिस इज नॉन एज ट्रायंगल. एंड मेट्रन मीन्स मेजर. राइट राइट यानी कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट से हम जो सब करने वाले हैं कुछ एक टी रेशियोज निकालने वाले हैं इसीलिए इन्हें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोला जाता है. तीनों साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड रेशियोज. राइट. सो रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड अ टी रेशियो. ऑलराइट. राइट. तो राइट एंगल ट्रायंगल इज रियली नॉट अ न्यू टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू डियर व्यूअर्स. तो वहीं से ही आगे बढ़ना है डरना नहीं है. जी. सो टी रेशियोज की बात करते हैं सीखते हैं कि हम ये सभी सिक्स टी रेशियोज किस तरह से निकाल सकते हैं. जैसे हमारे सामने यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है तो अनडाउटेडली बी एंगल जो है वो 90 डिग्री गिवन है और बी के एकदम सामने जो साइड है दैट विल बी ट्रीटेड एज द हाइपोटेन्यूज. जो सिक्स टी रेशियोज हैं दीज आर साइन कोसाइन टेंजेंट देन कोसिकेंट सिकेंट ये सिक्स नेम आपके लिए नए जरूर हैं एंड कोटेंजेंट. जी. बट जो चीज हम यहां पढ़ने वाले हैं अबाउट दीज सिक्स टी रेशियोज वो क्या है रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. तो अगर हम साइन को एब्रीविएशन फॉर्म में लिखते हैं एब्रीविएशन समझते हैं आप सभी कि जब उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो दैट इज रिटन एज सिन. राइट. अगर हम बात करते हैं कि ये जो सी एंगल है दैट इज गिवन टू बी थीटा. जैसे आपने एलजेब्रा में पढ़ा अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इसी तरह से यहाँ पर हम किसी भी एंगल को शो करने के लिए थीटा अल्फा बीटा फाइव ऐसा कोई भी एक नोटेशन जो है वो यूज कर सकते हैं. डियर व्यूअर्स आप
जानते हैं कि बहुत छोटी क्लासेस से ही आप ए बी सी दैट इज बिगिनिंग ऑफ द अल्फाबेट्स को कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में यूज करना शुरू कर चुके हैं. जी आप एक्स वाई जेड इन सभी यानी कि लास्ट ऑफ द अल्फाबेट्स को आप वेरिएबल्स की फॉर्म में यूज करना शुरू कर चुके हैं. तो अभी आपको कुछ और ऐसे सिंबल्स चाहिए जिनकी हेल्प से आप एंगल्स को प्रेजेंट कर सकें. आप रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड जीरोस बताते हैं, वहां आप अल्फा बीटा यूज करते हैं. तो इसी तरह से किसी भी एंगल को प्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग थीटा. तो अभी साइन थीटा दैट मीन्स अगर थीटा को आपने बेस एंगल बोला है तो इसके जस्ट अपोजिट जो साइड है दैट विल बी ट्रीटेड एज परपेंडिकुलर एंड दिस साइड विल बी ट्रीटेड एज बेस. राइट. सो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसमें आपने कुछ भी समझना नहीं है, ये आपके लिए एक डायरेक्ट एक चीज जानने की है. नॉलेज हमारी इंक्रीज करेगी, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. लेकिन आपकी नॉलेज स्किल में क्या आ जाना चाहिए कि जब भी हम परपेंडिकुलर ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो ये जो रेशियो निकल कर आएगा उसे हमने साइन थीटा की हेल्प से नोटेट करना है, शो करना है. जी और बिल्कुल इसी तरह से इफ आई टॉक अबाउट कोसेकेंट जिसकी एब्रीविएटेड शॉर्ट फॉर्म जो है दैट इज कोसेक थीटा दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. देखो थ्री साइड्स हैं, ये है बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. अगर आपको पूछते हैं कि दो दो साइड्स लेते हुए आप कितने रेशियोज निकाल सकते हैं तो आप निकाल सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आप निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, आप निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर और दैट हैज ऑलरेडी बीन रिटन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इन सिक्स के सिवा कोई भी सातवां टी रेशियो बन ही नहीं सकता. जी इसीलिए आपके टी रेशियो सिक्स होते हैं. तो सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा. ओके. कॉस थीटा इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी अगर आप अपनी ट्राइंगल की बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देते हैं दैट इज नोन एज कॉस थीटा. देन सेक थीटा विच इज द एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ सेकेंड विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. Then tangent theta is equal to perpendicular upon base and the last cotangent or in short जिसे आप cot लिख सकते हैं that is equal to base upon perpendicular. जी. So ये जो six T ratios हैं हम एक बार highlight भी कर देते हैं. ये all six T ratios हमारे viewers को as such लर्न करने हैं, अपनी वकैब में ऐड करने हैं, उनको इस चीज को समझना है कि क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियोज को ही टी रेशियोज कहते हैं तो ये वो छह टी रेशियोज हैं जो हमारे पॉसिबल हैं. राइट. चलिए यहां से अब हमारी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाएगी. व्यूअर्स आप इस ट्राइंगल को देख कर भी समझ पा रहे हैं एंड इन जनरल आपके टीचर्स ने हम सभी ने अभी तक आपको बताया हुआ है दैट always the hypotenuse is the longest side in a triangle, in a right angle triangle. So अगर hypotenuse सबसे लंबी side है तो perpendicular उससे छोटा होगा. जी. और perpendicular को यानी एक छोटी चीज को अगर हम एक बड़ी चीज से divide करते हैं, मान लीजिए 4 को आप 5 से divide करते हैं तो that value will be less than 1 or greater than 1? Of course less surely than 1. Will be लेस देन वन क्योंकि न्यूमरेटर हमारा छोटा है. राइट. यानी आपको ध्यान में रहेगा कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी वन से ग्रेटर नहीं होगी. इसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू बेस न्यूमरेटर पर है, लॉन्गर साइड लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर है तो उसकी वैल्यू भी कभी भी वन से ज्यादा नहीं होती. बट दिस टेन थीटा यू कैनॉट से एनीथिंग अबाउट दैट लाइक दिस क्योंकि टेंजेंट थीटा जो है दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस. और हमें पता है कि कुछ ट्राइंगल्स में परपेंडिकुलर लॉन्गर हो सकता है, कुछ ट्राइंगल्स में बेस लॉन्गर हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी साइड बड़ी हो सकती है. इसलिए टेंजेंट की जो वैल्यू है वो अप टू इन्फिनिटी कुछ भी आपकी हो सकती है.
इसी तरह से अगर कॉसेक की बात करेंगे, कॉसेक में न्यूमरेटर गारंटेड हमेशा ग्रेटर है अपने डिनोमिनेटर से, यानी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन हो सकती है, वन से छोटी कभी भी नहीं होगी बिकॉज द न्यूमरेटर इज ग्रेटर। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन पार्ट हमने पहले वर्बली भी डिस्कस कर लिया था। यहाँ भी हम देख सकते हैं कोई भी ऑब्जर्वर है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट ऑफ दैट ऑब्जर्वर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल फॉर दैट ऑब्जर्वर, और बीच में जो भी एंगल बन रहा है उस एंगल की हेल्प से अगर हमारे पास उस ऑब्जर्वर का डिस्टेंस है फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, तो सिर्फ उसकी हेल्प से हम हाइट ऑफ द टावर बता सकते हैं और हम लाइन ऑफ साइट यानी कि डी ई की लेंथ भी इजिली बता सकते हैं। आज हम सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट और के टू, वट इज द पीक ऑफ दैट, आपको पता है दैट इज 8848 मीटर्स में है, लेकिन मीन्स अगर आप देखते हैं तो दैट इज 8 point something किलोमीटर, राइट? ऑलरेडी तो ऐसा 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 करके तो हम इतना ऊंची हाइट नहीं निकाल पाए। उस हाइट को यूज करने के लिए भी, निकालने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री इज डायरेक्टली वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस। सो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी चंद्रयान 3 भी गया है तो आपको इतना सा जानकारी समझ आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज डेफिनेटली वहां पर हुआ है। जी, तो आगे बढ़ते हैं। वी हैव बीन गिवन दैट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज 4/3 और हमें करना क्या है, फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज। अभी हमने बात की थी टोटल कितने टी रेशियोज होते हैं, 6। और एक चीज हम बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि ऐसा ऐसा तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन दिस, तो उसको लर्न करने के लिए एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है, ऐसा करके बोल देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसको किसी भी तरह से अदरवाइज नहीं लेंगे, सिर्फ ये लर्न करने के लिए छोटी सी कोटेशन हमारी है। व्हाट दैट इज कि साइन थीटा, एस फोर साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट थीटा हमें गिवन है। इंटरेस्टिंग थिंग इज हियर दैट टेंजेंट के साथ जो एंगल है दैट इज ए, एंड ए एंगल इज गिवन टू बी हियर, ऑल राइट? सो ए के अपोजिट जो साइड है दैट विल बी ट्रीटेड एज परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेन्यूस अनडाउटेडली, एंड साइड ए बी इज नोन एज द बेस। सो हियर यू कैन इजीली सी कि टेंजेंट थीटा जो है दैट इज द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस। सो हमें क्या एज्यूम करना है, थोड़ी देर के लिए लेट द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 into k एंड बेस इज इक्वल टू 3 into k। इस चीज को बहुत अच्छे से आप समझेंगे, परपेंडिकुलर और बेस, बेस के इक्वल में 3 आपको दिखाई दे रहा है और परपेंडिकुलर के इक्वल में आपको 4 दिखाई दे रहा है, बट दिस इज द रेशियो, रेशियो है तो हो सकता है कोई वैल्यू ऑलरेडी कट गई हो, दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारा परपेंडिकुलर 8 और बेस 6 रहा हो, तो 8 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिलेशन पर 4/3 ही हमें मिल रहा है। तो ये जो k नंबर हमने अननोन नंबर लिया है वो इस तरह के किसी भी नंबर को शो कर रहा है जो हम ऑलरेडी कैंसल आउट कर चुके हैं, ऑलराइट? वेयर k इज एनी रियल नंबर, राइट? आप इसे मेंशन कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी कि हाइपोटेन्यूस आपका क्या होगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और आप जानते हैं दैट हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ड्यू टू विच आपका हाइपोटेन्यूस यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है √25 k² विच इज 5 into k। हाइपोटेन्यूस क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड ऑल रिमेनिंग टी रेशियोज, तो बाकी सभी टी रेशियोज के लिए तो हमें हाइपोटेन्यूस की भी जरूरत है, दैट्स व्हाई सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया, एंड नाउ योर क्वेश्चन इज रियली वेरी इजी। आपको निकालना है साइन ए, सो दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस which is equals to 4k, which is your perpendicular, divided by 5k, जो आपने अभी कैलकुलेट किया है, so the value of sine a is 4/5,
डियर व्यूअर्स, साइन ए जो आपका टीवी शो है, हमने बात की थी इन द वेरी बिगनिंग ऑफ आवर सेशन कि हम आज रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे बिटवीन द टी रेशियोज। तो सबसे पहला जो रिलेशनशिप है वो हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं कि कोसेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का। ऑलराइट, तो अगर आपको वैल्यू निकालनी है कोसेक ए की, व्हाट दैट विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेसिकली वो इसी का रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड दैट विल बी 5/4। इसी तरह से टेंजेंट हमें ऑलरेडी गिवन था, तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोट, सो कोट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच विल हियर बी 3/4। और अगर बात करते हैं कोस ए की, आप समझ चुके हैं कि कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज 3/5। इसी तरह से सेकेंड विल बी 5/3, सेकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस, राइट। सो लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, और इस तरह से एक दो क्वेश्चन हम देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, कुछ और आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट दिस क्वेश्चन इज कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल जो हमें गिवन है वो पॉइंट बी पर गिवन है, दैट मींस दिस एंगल इज गिवन टू बी 90 डिग्री, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1। सो आपको इतना क्लियर है कि ये हाइपोटेन्यूज है, इफ ए पॉइंट इज हियर एंड टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1, सो हम समझ सकते हैं कि इट इज गिवन टू बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 1 का मतलब है 1/1, क्योंकि कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो आप डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। सो यहां से हमारे पास आ रहा है परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 × k। आप समझ चुके हैं k उस रेशियो को बैलेंसिंग के लिए हम लेकर चलते हैं जी। बेस आपके पास है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2k² विच कैन बी रिटन एज √2 × k। हमें वेरीफाई जो करना है, एक बार इस वैल्यू को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ए। तो आपको इस बार डायरेक्टली नहीं बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कोस ए, बल्कि आपको कुछ वेरीफाई करने के लिए दे दिया गया है जिसको देखकर हमें समझ आ रहा है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड अभी अभी हमने परपेंडिकुलर देखा दैट इज इक्वल टू 1 k, क्योंकि एंगल ए की बात हो रही है तो ए की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दिस साइड विल बी बेस, और हाइपोटेन्यूज आपने कैलकुलेट किया है √2 × k। ऑलराइट, सो विच इज इक्वल टू k/√2 k 1/√2। सिमिलरली आप अगर कोस ए की वैल्यू निकालते हैं दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अनडाउटेडली वो भी आपके पास 1/√2 ही आ रहा है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है कि ये कंप्लीट 1 के इक्वल आ जाए, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं 1 के इक्वल हम पहुंच पाते हैं। यस, दैट इज इक्वल टू 2 × sin a × cos a। I just put the value of sin a and cos a here. And on solving, you can easily write √2's product with √2 is 2. And as a result, we are getting 1. And 1 is our right hand side. So it is verified. Right. अभी हमने दो questions discuss किए. हमने basic जो ratios था, t ratios थे, वो सब discuss किया. और उसी सब के बिहाफ पर हमने थोड़ा सा एक पॉइंट को टच किया था कि हाइपोटेन्यूज अगर लॉन्गेस्ट साइड है तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के जो टी रेशियोज हैं वहां पर आपको कहां पर वैल्यू लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 मिलेगी। उसके बिहाफ पर लेट अस डिस्कस दीज ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, और हमें अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है जी। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। Yes, dear viewers. He is saying कि tangent A की value less than 1 होती है। तो आप सोच लीजिए कि tangent A को आपने क्या बोला था? Perpendicular upon base. अगर value less than 1 होगी, definitely denominator should be greater than the numerator. Yes. But हमें पता है perpendicular और base, इन दोनों में कोई भी value greater हो सकती है। तो tangent A की value less than 1 होगी, ये statement true नहीं है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज हमें पता है कि टेंजेंट ए इज द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द बेस,
एंड एनी साइड कैन बी ग्रेटर, एनी साइड कैन बी स्मॉलर, तो आप नहीं बोल सकते कि टेंजेंट की वैल्यू लेस देन वन होगी, इट कैन बी ग्रेटर देन वन एज वेल. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेकेंड ए इक्वल्स 12/5. तो सोच लेते हैं कि सेकेंड ए होता क्या है. इट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है कोस का. सो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, आपको पता है हाइपोटेन्यूस तो हमेशा ही तीनों साइड में से सबसे लंबी साइड होती है, तो डेफिनेटली बेस से भी लंबी साइड होगी. यानी आपको समझ आ रहा है कि इस केस में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है. क्लियर? राइट. तो जब भी सेकेंड की बात करेंगे डेफिनेटली न्यूमरेटर को ग्रेटर होना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर हाइपोटेन्यूस है. तो उसने यही बोला है कि क्या सेकेंड ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए. तो आपको बस यही चेक करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ट्रू, और आपका न्यूमरेटर है 12. सो इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? यस इट इज, करेक्ट. सो लेट अस मूव अहेड. नेक्स्ट थिंग इज साइन ए इक्वल्स 4/3 हो सकता है या नहीं हो सकता. डियर व्यूअर्स, आप जब भी सेशन को देखते हैं आप बताइएगा कि दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट, और आप एक प्रॉपर रीजन के साथ जरूर बताना. Let us proceed towards the next concept now. Yes, it is a triangle PQR. Triangle PQR में हमें given है कि angle Q जो है वो 90 degree का है, तो definitely उसके सामने जो side है that is hypotenuse. हमें given है that PR plus QR. Observe कर लेते हैं कि PR किस चीज को show कर रहा है. Yes, this is the hypotenuse. Plus QR, that is either the base और दी परपेंडिकुलर, डिपेंड्स अपॉन कि आपको टी रेशियो किस एंगल के लिए निकालना है. एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5, सो दिस इज 5. अगर आप क्यू आर को एक्स मान लेते हैं तो आपको गिवन है दैट पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ड्यू टू विच पी आर इज 25 माइनस एक्स. ऑल राइट जी, आपको वैल्यूज निकालनी है साइन पी, cos p, tangent p. So p is the base angle, that means this side will be treated as the perpendicular, 5 will be treated as base. और अब बढ़ते हैं आगे sin p. निकालने से पहले perpendicular upon hypotenuse होता है, तो आपके पास तो perpendicular भी नहीं है, hypotenuse भी नहीं है. आपने perpendicular को अभी assume किया है x, ड्यू टू विच हाइपोटेन्यूज आ पा रहा है 25 माइनस एक्स. तो इस एक्स की वैल्यू निकालना मस्ट है, और जो हम निकाल पाएंगे बाय यूजिंग आवर पाइथागोरस थ्योरम व्हिच इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मींस 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो ऑन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू निकलते ही परपेंडिकुलर आपके पास होगा. आप जब एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में यू विल बी एबल टू फाइंड द हाइपोटेन्यूस. आपको वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, यानी परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, और अपनी वैल्यू साइन पी, कॉस पी और टेन पी कैलकुलेट कर लेना है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड वी विल प्रोसीड विद द सेम टॉपिक इन आवर नेक्स्ट सेशन. जी राइट मैम, थैंक यू सो मच. आपने इतने अच्छे से ये टॉपिक की कॉन्सेप्ट हमें समझाया. इनफैक्ट आपने इसको इतना इजी कर दिया, और इंट्रोडक्शन आपने इतना ब्यूटीफुल दिया था कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. बहुत ही इजी टॉपिक है. इनफैक्ट आपने जिस तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया और जो ट्रिक सिखाई, आई एम श्योर उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री करने में बिल्कुल डर नहीं लगेगा, और वो काफ़ी से इंजॉय भी करने वाले हैं. सविता मैम, थैंक यू सो मच इस सेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए और हमको ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट वन सिखाने के लिए. थैंक यू सो मच. जी हरप्रीत जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. सो व्यूअर्स, अब समय है इस सेशन को यहीं पर रैप अप करने का, लेकिन इससे पहले हम आपको देना चाहेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड एक ज़रूरी सूचना. जी हाँ, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं अक्रॉस द कंट्री. आप इन्हें न्यू दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु और गुवाहाटी से ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं. जी हाँ, इन जगहों पर हमारे फिजिकल सेंटर्स लोकेटेड हैं. अगर आप इन बुक्स का ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, और बुक्स आपको डिलीवर की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट. साथ ही साथ आप इन बुक्स की सॉफ्ट कॉपीज़ और पीडीएफ वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम दीक्षा ऐप, ई पाठशाला एंड एनसीईआरटी वेबसाइट.
तो फिलहाल के लिए इतना ही. अब से कुछ ही देर में आप जुड़ेंगे हमारे साथ फॉर आवर नेक्स्ट सेशन, जिसका टॉपिक रहेगा वाटर रिसोर्सेस. तब तक के लिए मुझे यानी हरप्रीत कौर को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.